जबरदस्त। अच्छा ये जेन्युइन ऑटो है रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। मैं हूँ नादिर खान, आप देख रहे हैं NKS कराची मोटर्स। वेलकम बैक गाइस। तो भाई आपका भाई नादिर खान जा रहा है एक होंडा सिविक चेक करने के लिए। ओल्ड मॉडल है भाई, 97 का मॉडल है, और हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि नादिर भाई आप जाके गाड़ी चेक करें, अगर गाड़ी अच्छी है तो हमें ले के दें, और जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक हम गाड़ी नहीं लेंगे, आप चेक करेंगे तो हम गाड़ी लेंगे। तो भाई जा रहे हैं और चल के चेक करते हैं गाड़ी कैसी है, आप लोगों को भी बताएंगे। तो आपने वीडियो में बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको जो डिटेल्स हैं गाड़ी के बारे में वो मुकम्मल मिल सके। और ये होंडा सिविक ऑटोमेटिक है, तो चलें जी टाइम गुजारी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं भाई होंडा सिविक के पास। तो इस गाड़ी का जो फ्रंट से लुक है वो आप लोग देख लें, इसकी जो गाड़ी की लाइट्स हैं ये आप लोग देख लें जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कहीं से ये लाइट्स गाड़ी की डैमेज वगैरह नहीं है। और दूसरी लाइट्स देख लें गाड़ी की, ये भी कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर इसके साइड लुक की बात की जाए तो टायरों की बात करते हैं भाई। सबसे पहले टायर आप लोग देखें, टायर बिल्कुल ठीक है, गाड़ी के रिम वगैरह गाड़ी में इंस्टॉल है और अच्छे रिम डले हुए हैं। बाकी गाड़ी की जो साइडें वगैरह हैं ये आप लोग देख लें, बैक से भी आपको दिखाता हूं मैं, बैक से आप लोग देखें गाड़ी को। और इस तरह से भी देखें जी गाड़ी को, ये चेक करें जी, ये एंटीना निकलता जा रहा है भाई गाड़ी का, क्या बात है जी, देखें जी एंटीना भी चल रहा है इसका। चले जी ज़बरदस्त यार, एंटीना चल रहा है इसका अभी तक। तो दोस्तों बाकी साइडें वगैरह देखें गाड़ी की, ठीक है जी। ये थोड़ा सा कलर होने वाला, तरपाई हुई है, आप देखें यहाँ से। बाकी ये है कि मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ गाड़ी, अंदर से क्या सूरत हाल है गाड़ी की। तो जो भी होगा भाई आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह हम। और यहाँ से आप लोग गाड़ी को देखें, सीलों की बात करते हैं तो सीलें गाड़ी की बिल्कुल ठीक है, सीलें आप लोग देख लें, पिलर वगैरह ठीक है भाई गाड़ी के, अंदर से दरवाजे वगैरह भी देख लें। ऑटो गेयर ट्रांसमिशन में गाड़ी है, गाड़ी का जो छत है ये भी आप लोग चेक करें, छत वगैरह बिल्कुल ठीक है, सीटों के ऊपर सीट कवर चढ़े हुए हैं। और बैक से भी दिखा देता हूँ आपको मैं, सीलें वगैरह गाड़ी की देख लें, डिक्की खोलिएगा, जनाब गाड़ी की जो सीलें वगैरह हैं ये आप चेक करें जी, डिक्की की सीलें भी बिल्कुल अपनी ओरिजिनल सीलों पे है, कंडीशन पे है गाड़ी। और अंदर जो है ये साउंड सिस्टम लगा हुआ है, सर साथ देंगे साउंड सिस्टम ये जिसमें लगा हुआ है, तो भाई ये साथ मिलेगा साउंड सिस्टम भी, अंदर से देखें गाड़ी को, गली भी कहीं से नहीं है, ठीक है। और इधर से भी देख लेते हैं जी, इधर से भी आप लोग गाड़ी को देखें, चलें जी डिक्की बंद करेंगे, सीले गाड़ी की जनाब बिल्कुल ठीक है, हाँ
हाँ जी ये ठीक है बिल्कुल। बंद कर दे। तो जनाब चेसिस चेक करते हैं नीचे से कि कहीं से। सर बोनट खोलिएगा गाड़ी का। तो भाई नीचे से भी गाड़ी बिल्कुल सही है। ठीक है जी अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। इसमें एच आई डी लाइट्स इंस्टॉल करवाई दी हैं, इन दोनों के ब्लास्टर हैं। अच्छा एच आई डी चल रही है जी। ये बैटरी भी इसमें न्यू इंस्टॉल करवाई है। ठीक है इसका एसी में भी रिसेंटली काम हुआ। एसी ऑन है गाड़ी का? गाड़ी का एसी ऑन है। चले चेक करते हैं जी। और इंजेक्टर रिप्लेस हुए हैं, इसका स्पीडोमीटर का सेंसर भी रिप्लेस हुआ है। ये अच्छा है। ये भी चल रहा है जी। करें स्टार्ट, करें गाड़ी को ज़रा स्टार्टिंग देखें गाड़ी की। तो बाकी दोस्तों यहाँ से आप लोग इस गाड़ी को देख लें, ये लीकेज भी है, लीकेज वगैरह है इसके अंदर। ठीक है ये जनाब हो गई गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी को रेस दें अंदर से, एक्सीलेटर दें गाड़ी को। तो भाई इसके अंदर जो है पीछे ये एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है इसके अंदर। एसी ऑन है? ऑन करें मैं उस तरफ से आता हूँ। भाई एसी भी चेक करते हैं गाड़ी का, प्रॉपरली चेक करेंगे इंशाल्लाह इसको। सिस्टम वगैरह चलता है ये जी बिल्कुल। एसी ऑन है जी बिल्कुल। ठीक है एसी भी सही है, मीटर्स वगैरह सारे चलते हैं गाड़ी के जी। अच्छा और ये बताएं कि इंडिकेटर वगैरह सब चल रहे हैं? सही है। लेफ्ट ये चल रहे हैं, हॉर्न भी चल रहा है ज़बरदस्त। आपने मेंटेन रखी हुई है गाड़ी है, हर चीज़ चल रही है गाड़ी की ज़बरदस्त। अच्छा ये जेन्युइन ऑटो है जी बिल्कुल। ठीक है वेलकम बैक गाइस। तो आपके भाई नादर खान ने भाई चेक कर लिया होंडा सिविक, जैसा कि आप लोगों ने गाड़ी मुकम्मल देखी। मैं आप भाइयों को अब इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बता देता हूँ। होंडा सिविक ऑटो गेयर ट्रांसमिशन में ये गाड़ी थी, 97 का ये मॉडल था। इंजन गाड़ी का चेंज था, इंजन ठीक था गाड़ी का, एसी वर्किंग में था, अंदर से गाड़ी बिल्कुल सीलों के ऊपर थी।
और भाई गाड़ी के अंदर जो है ना अच्छी गाड़ी थी। देखिए जी पुरानी गाड़ियां हैं, काम तो हल्के फुल्के होते हैं गाड़ियों के अंदर, ठीक है, मगर इस मॉडल की जो गाड़ियां हैं ना भाई वो रुली खुली होती हैं, अच्छी नहीं होती, मगर ये गाड़ी अच्छी थी, ठीक है जी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई भी गाड़ी आप लेंगे उसके ऊपर आपने अपने दिमाग में एस्टीमेट रखना है कि 10-20 हज़ार रुपये लगाने हैं। कोई ऑयल चेंज हो गया या कोई ब्रेक पैड हो गए या कुछ ऐसा काम हो गया हल्का फुल्का सा। इस गाड़ी के टायर भी ठीक थे, अलॉय रिम भी गाड़ी में लगे हुए हैं आप लोगों ने जैसे कि देखा। और इसकी जो प्राइस वो कह रहे थे फाइनल, वो कह रहे थे कि भाई 6.5 लाख रुपये, 6.5 लाख रुपये कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि नादर भाई कॉन्टेक्ट नंबर आप अपना दीजिएगा, मेरा मत दीजिएगा, अगर किसी ने लेनी हो तो आप पार्टी ले आइएगा। तो भाई अगर आप में से किसी ने लेनी भी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी डील करवा दूंगा इस गाड़ी के साथ। और उसके अलावा अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फिर आपने लाइक करना, और जो भाई चैनल पे न्यू है लाजमी जो है सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आप आज तक पहुंच सके। अपने भाई नादर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।